इनकेस आपने गेट का एग्ज़ाम लिखा हो और आपका गेट एग्ज़ाम में इतना अच्छा स्कोर ना आया हो कि आप ट्रिपल आईटी किसी अच्छे ट्रिपल आईटी या किसी अच्छे आईआईटी एनआईटी में जा पाएँ, तो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि ट्रिपल आईटी इलाहाबाद ने बहुत ही चुपके से एक नया कोर्स लॉन्च किया है। उस नए कोर्स का नाम है एमटेक डेटा साइंस और एनालिटिक्स में, तो आज हम उसी की बात करने वाले हैं। इस कोर्स में आपको गेट की कोई खास ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो गेट के थ्रू भी जा सकते हैं, मतलब गेट की स्कॉलरशिप लेने के लिए गेट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ट्रिपल आईटी इलाहाबाद ने इसके लिए अपना एग्ज़ाम रखा है, सेपरेट एग्ज़ाम। तो अभी तक क्या होता था, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद सेपरेट एग्ज़ाम लाने के गेट के थ्रू ही लेता था। इनफैक्ट जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वो गेट के थ्रू ही लेते हैं। अगर जो पीपीपी मोड वाले इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे ट्रिपल आईटी लखनऊ, वो कुछ सीट्स अपनी अपने प्राइवेट कोटा से भी भर सकते हैं, यानी उनके अपने सेपरेट एग्ज़ाम से भी कुछ सीट्स उनकी भरी जा सकती हैं, बट ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में अभी तक ऐसा नहीं था। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद हमेशा गेट से ही लेता आया है, पहले उसका अपना एग्ज़ाम होता था, लेकिन बाद में जब से कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम किया गया तब से ट्रिपल आईटी इलाहाबाद ने केवल गेट से ही अपनी सीट्स भरनी शुरू कर दी। तो अगर आपका इस बार किसी अच्छे कॉलेज में नहीं हुआ है तो बिना एक साल वेस्ट किए मैं सीधे रिकमेंड करूँगा कि आप ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स एमटेक प्रोग्राम में अप्लाई करें। सीट्स बहुत ही लिमिटेड हैं, 20 सीट हैं पूरे इंडिया में ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की अपने एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, और आज हम इसी की बात करने वाले हैं। अब मुझे पता है कि आपको इसके बारे में जानने का बहुत मन कर रहा होगा, क्योंकि ये इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और ये हमेशा नहीं आती है, इसी साल शुरू हुई है। तो इससे पहले कि ये सीट्स सारी की सारी भर जाएं, 20 सीट्स भर जाएं, मैं जल्दी से आपको इस प्रोग्राम के बारे में बता देता हूं ताकि आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर पाएं और बिना एक साल वेस्ट किए आप तुरंत अपने एमटेक प्रोग्राम में आगे बढ़ पाएं। तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद ने लॉन्च किया है अभी, ये एकदम नया कोर्स है, फ्रेशली आउट ऑफ द ओवन है ये कोर्स। कुछ चीज़ें इसके बारे में बताता हूँ, ये ऑफिशियल एमटेक डिग्री है ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की, ये कोई कोर्स या कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ये ऑफिशियल एमटेक की डिग्री मिलेगी आपको ट्रिपल आईटी इलाहाबाद से। ये ऑफलाइन मोड में भी पढ़ाई जाएगी, ऑनलाइन भी, और एक मिक्स्ड हाइब्रिड मोड में भी। तो हम क्योंकि कोरोना के दौर में जी रहे हैं तो फिर टोटली ऑफलाइन हो पाना भी मुश्किल है। इनफैक्ट ज़्यादातर एमटेक या कोई भी डिग्री हो गई इस साल तो कम से कम सब के सब ऑनलाइन मोड पर चले जा चुके हैं। तो ये जो एमटेक ट्रिपल आईटी इलाहाबाद लॉन्च कर रहा है, ये एमटेक ऑनलाइन, ऑफलाइन और मिक्स्ड हर मोड में है। तो ये कोई ऐसा ही डिग्री प्रोग्राम नहीं है जो कि ऑनलाइन हो गया और आपने किसी से कह दिया मैंने ट्रिपल आईटी इलाहाबाद से कर लिया है, ये ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। आप टोटली 100% ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के स्टूडेंट बन जाएंगे। इसमें आपको गेट के थ्रू भी अप्लाई करने का ऑप्शन है और गेट के बिना भी अप्लाई करने का ऑप्शन है। डिफरेंस ये है इन दोनों में कि अगर आपने गेट के थ्रू अप्लाई किया है तो आपको गेट स्कॉलरशिप मिलेगी, गेट स्टाइपेंड मिलेगा। गेट स्टाइपेंड है 12,400 रुपये प्रति महीना और ये आपको मिलेगा दो साल पूरे एमटेक प्रोग्राम भर के लिए, और ये सबको मिलता है जिन्होंने गेट का एक वैलिड स्कोर प्रोसेस करते हैं। अगर आप गेट के बिना अप्लाई करते हैं, जो कि प्राइवेटली स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स कहलाएंगे, तो उनको वो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, लेकिन वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल तब भी रहेंगे। तो जिन्होंने गेट के थ्रू अप्लाई किया है उनको भी ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का अपना एक एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, और जिन्होंने गेट के बिना अप्लाई किया है उनको भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। तो भले ही आपने गेट के थ्रू किया हो, भले ही आपने गेट के बिना किया हो, डिफरेंस केवल इतना रहेगा कि आप एक तरफ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट कहलाएंगे जहां पर आपने गेट के थ्रू अप्लाई नहीं किया है, और जहां पे आपने गेट के थ्रू अप्लाई किया है वहां पे आप नॉर्मल कैंडिडेट होंगे जिसको एक स्टाइपेंड मिलता है एमटेक करने के लिए। अब जैसा कि मैंने बताया, इसमें ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का अपना एक एंट्रेंस टेस्ट है, ये 2-3 जगहों पर होगा, डिपेंड करता है कितनी एप्लीकेशन इनको मिलती हैं उस हिसाब से ये रखेंगे। ऑब्वियसली इलाहाबाद में होगा, मद्रास और कुछ और जगहों का जैसे हैदराबाद, मद्रास, इन सब का प्लान बन रहा है। तो इसके बारे में और डिटेल्स जैसे आएंगी मैं इसको पोस्ट करूँगा। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें बीटेक, 4 साल का बीटेक जिन्होंने किया है, 4 साल का बीएससी, 4 साल का बीएससी जिन्होंने किया है, 3 साल का नहीं 4 साल का बीएससी लिखा गया है स्पेसिफिकली, एमबीबीएस जिन्होंने किया है, जिन्होंने एमबीए किया है, जिन्होंने एमएससी किया है, ये सभी अप्लाई कर सकते हैं।
और जो गेट के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए स्पेसिफिक गेट की स्ट्रीम्स इन्होंने स्पेसिफाई करी है कि आपको इन्हीं गेट की स्ट्रीम्स में होना पड़ेगा, इन्हीं गेट की स्ट्रीम्स से क्वालिफाइड गेट स्कोर, एक वैलिड गेट स्कोर आपका होना चाहिए। तो ये मैं लिंक कर दूंगा, आप इसके बारे में फर्दर पढ़ सकते हैं कि कौन सा गेट स्कोर एक्सेप्टेड है कौन सा नहीं है। इसमें अप्लाई करने की फ़ीस 500 रुपये है, ये ऑन वन टाइम एप्लीकेशन है मतलब, और 300 रुपये SC/ST कैंडिडेट्स के लिए है। इसमें वन टाइम फ़ीस आपको 1000 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी, सेमेस्टर फ़ीस इसकी 70,000 रुपये है और प्रति सेमेस्टर एग्ज़ाम फ़ीस इसकी 5,000 रुपये है। और ये 2020 से 2021 वाले एकेडमिक सेशन की बात करी जा रही है, अगले साल ही ऑब्वियसली बढ़ सकता है। तो 70,000 पर सेमेस्टर ट्यूशन फ़ी काफ़ी अफोर्डेबल है। इनफैक्ट अगर आपने गेट के थ्रू अप्लाई किया है तो ये आप टोटली गेट की स्टाइपेंड से ही पे ऑफ कर सकते हैं, तो आपको घर से पैसा नहीं मांगना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज है इस एमटेक प्रोग्राम का। और इसकी लास्ट डेट 30 नवंबर है, इसकी एप्लीकेशन को भरने की लास्ट डेट 30 नवंबर है और केवल ऑल इंडिया 20 सीट्स हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप जल्दी से जल्दी इसको भर दें अगर आपको अभी तक कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिला है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। 10 दिसंबर को एडमिट कार्ड मिलेगा, 20 दिसंबर को एग्ज़ाम है, 30 दिसंबर को रिजल्ट्स हैं, 5 जनवरी को एडमिशन है और 15 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो केवल 20 सीट हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको अभी तक कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला है तो आप जल्दी से जल्दी इसको भरिए। IIIT इलाहाबाद एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, इनफैक्ट ये इंडिया के टॉप 10 टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में कई बार फिगर करता है और इसका रिसर्च आउटपुट बहुत हाई है। यहाँ पे आपको जो इंटरेक्शन मिलता है, जो बीटेक और एमटेक, आमतौर पर जो बीटेक गाइज होते हैं उसको मानते हैं कि वो एक ज़्यादा टफ एग्ज़ाम से पास होके आए हैं, हालांकि मैं ऐसे कोई डिस्टिंक्शन नहीं मानता, लेकिन लोगों का कहना ऐसा होता है, ऑनलाइन उनका परसेप्शन ऐसा होता है कि बीटेक गाइज ज़्यादा टफ एग्ज़ाम पास करके आते हैं। तो अगर ऐसी बात है, उनकी कोडिंग अगर बेटर है तो आप उनके साथ रहिए और आपकी कोडिंग भी बेटर हो जाएगी और आपका प्लेसमेंट अच्छी कंपनी में ऑलमोस्ट श्योर हो जाता है। तो इनफैक्ट अगर आप प्लेसमेंट्स के बेसिस पे देखें तो IIIT इलाहाबाद में बहुत ही अच्छे प्लेसमेंट्स हैं, अगर आप रिसर्च बेसिस पे देखें तो IIIT इलाहाबाद के काफ़ी अच्छे कनेक्शंस हैं। ऑफकोर्स आप IIIT इलाहाबाद की वेबसाइट पे जाके इसके बारे में और रिसर्च कर सकते हैं, मैं उसको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं इस प्रोग्राम में आप क्या सीखेंगे और क्या क्या सिखाया जाएगा। तो इसमें कुछ टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं जो डेटा साइंस और एनालिटिक्स में यूज़ होती हैं, जो कि आपको इस प्रोग्राम में सिखाया जाएगा, जैसे अपाचे स्पार्क, स्टॉर्म, अपाचे स्टॉर्म बिग डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा सिस्टम्स के लिए, टेंसरफ्लो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के लिए, और मशीन लर्निंग पाइथन से सिखाई जाएगी। इसमें रियल वर्ल्ड केस स्टडीज़ हैं क्योंकि ये प्रोग्राम एकदम नया अभी अभी बनाया गया है, तो फिर इसमें अप टू डेट इंफॉर्मेशन है। इसका जो फ्लेक्सिबल करिकुलम है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है इस प्रोग्राम की। तो यहाँ पे रियल वर्ल्ड केस स्टडीज़ आपको दी जाएंगी, आपको कुछ थ्योरेटिकल ऐसा नहीं दिया जाएगा कि पूरा बुक बेस्ड है और आप उसको अप्लाई ही ना कर पाए, ये रियल वर्ल्ड से एग्जांपल्स लेंगे और आपको उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा। कैपस्टोन प्रोजेक्ट होंगे, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स यानी आपको एंड में अपने थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर तक आते आते कई सारे प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, इनको कैपस्टोन प्रोजेक्ट बोलते हैं। ये कोर्स के एंड में होने वाले प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आपको पास करना पड़ता है, इनको मेजर प्रोजेक्ट भी बोला जा सकता है, तो इनको कैपस्टोन प्रोजेक्ट बोलते हैं। और IIIT इलाहाबाद की फैकल्टीज़ और उनका एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे ये इंडस्ट्री से एकदम इनपुट लेके दिए जाएंगे आपको, तो ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि बुक से आपको दे दें और ये इंडस्ट्री से रिलेटेड ना हो। थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आपको डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट दिया जाएगा, डिसर्टेशन मतलब कोई रिपोर्ट हो सकती है, रिसर्च पेपर टाइप का हो सकता है, और प्रोजेक्ट बनाना वो भी आपको दिया जाएगा। प्रोजेक्ट भी आपका एकदम रियल वर्ल्ड से इंस्पायर्ड होगा, अपनी IT फर्म्स, IT टेक्नोलॉजी से जुड़ा होगा जो कि अभी करेंटली चल रही है। और इसके अलावा मैं कुछ और बात बताना चाहूँगा जो कि बहुत लोगों को नहीं पता है, जो लड़कियों को स्पेशली PG स्टडीज़ करने से रोकता है। तो गवर्नमेंट का AICTE का और UGC का कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। PG इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप के नाम से सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप है। तो अगर आप एक सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं, आपका कोई भाई या बहन नहीं है, तो आप AICTE की वेबसाइट पर जाके स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर सकती हैं।
तो इसमें आपको 3100 रुपीस पर मंथ मिलेगा। ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बट स्टिल ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है और इसके बारे में लोगों को नहीं पता है। इसकी भी लिमिटेड नंबर ऑफ कह सकते हैं, इसकी भी लिमिटेड नंबर ऑफ एप्लीकेशन होती हैं। अगर ये आपको नहीं पता है और आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ऑफकोर्स आप डेफिनेटली अप्लाई करिए। और अंडर ग्रेजुएट और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, जो गर्ल चाइल्ड हैं अंडर ग्रेजुएट और डिप्लोमा के लिए, उनके लिए अलग स्कॉलरशिप है। लोगों को इसके बारे में भी नहीं पता है, तो मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। इस केस में आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल 30,000 और 2,000 रुपीज़ फॉर 10 मंथ्स। 30,000 आपको मिलेगा आपकी फीस को पे ऑफ करने के लिए, और 2,000 पर मंथ 10 मंथ्स के लिए, ये आपको मिलेगा आपके बाकी किसी खर्चों के लिए। तो ये तो फिर भी थोड़ा रिस्पेक्टेबल अमाउंट है। ये डिप्लोमा के लिए 500 स्कॉलरशिप्स देते हैं और यूजी के लिए भी 500 स्कॉलरशिप्स देते हैं। तो ये मैंने बात करी यूजी और डिप्लोमा स्कॉलरशिप्स की, इसको बोलते हैं प्रगति स्कॉलरशिप। और जो मैंने बात करी पीजी स्कॉलरशिप्स की, पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स, इसको कहते हैं इंदिरा गांधी सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप। तो ये सभी स्कॉलरशिप्स लड़कियों के लिए हैं, यहाँ पे लड़कों की बात नहीं करी जा रही है। और जो जनरल स्कॉलरशिप है जो सब पीजी स्टूडेंट्स को मिलती है, उसे कहते हैं AICTE पीजी स्कॉलरशिप। तो वो अलग बात है, उसको लोग पीजी स्टाइपेंड या एमटेक स्टाइपेंड भी बोलते हैं। वो स्कॉलरशिप अलग है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो सब पीजी स्टूडेंट्स को मिलता है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे लड़कियों की स्कॉलरशिप्स की, जो कि लोगों को आमतौर पर नहीं पता होता है। तो ये थी आज की शॉर्ट वीडियो। मैं और अपडेट्स पोस्ट करूँगा ऐसे एकेडमिक प्रोग्राम्स के बारे में, और अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ उसको अपने कमेंट बॉक्स में डालिए।